प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्थ पाठ की एक्सरसाइज समझेंगे। देखिएगा कि प्रथम है, फर्स्ट एक्सरसाइज, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। ये अपने स्वयं के करना है। इसके आगे देखिएगा, पदो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, लिखने हैं। स्वकीयं साधनं किं भवति, हमारा अपना साधन क्या होता है, बलम, अपना बल ही हमारा साधन होता है। पथि के विषमाः प्रखराः, अर्थ कि पथि रास्ते में के कौन से विषमाः, उबड़ खाबड़ और पैने हैं, तो उसका था पाषाणः पत्थर, अर्थात हमारे रास्ते में जो पत्थर हैं वो उबड़ खाबड़ और बहुत ही नुकीले हैं। आगे गय में देखिएगा, सततम किम करणीयम, हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, ध्येय स्मरणम, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। घ, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, ये इस गीत के रचनाकार हैं। स कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी, अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी राष्ट्रवादी कवि हैं। अब आप इसके अनुसार देखिएगा, फोर्थ एक्सरसाइज आ रही है, यहाँ पर थर्ड आगे आ जाएगी। उचित कथनों के सामने आम और अनुचित के सामने न लिखना है, तो पूर्वतः चरणम निदेहि, सामने चरण रखिए, ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आम। हाँ, आगे निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत के शिखर पर है, तो ये आम हो जाएगा। स्वकीयं बलम बाधकं भवति, हमारा बल बाधक होता है, ये न हो जाए, क्योंकि वहीं कहा था हमारा जो बल वही साधनम साधक है, हमारा काम आता है। पथि हिंसरा पशव न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं हैं, तो ये न रोंग है। गमनम सुकरम अस्ति, वहाँ हमारे गंतव्य तक पहुँचना सुकरम बहुत ही आसान है, तो ये भी न हो जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलिए, ये आपका राइट है, आम है। आगे देखिएगा, इसी का आ पार्ट है, आ पार्ट में क्या कहते हैं देखिएगा, वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट करना है, तो उसमें देखिएगा आप कैसे बन रहा है। परितः है चारों ओर, और पूर्वतः है सामने, उसमें देखिएगा आप, परितः चारों ओर, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों तरफ वृक्षासंते वृक्ष हैं, पूर्वतः सामने, विद्यालय से पूर्वतः उद्यानमस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगह पर्वत को कहते हैं, हिमालय प्रसिद्ध नगह अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है, नागह सांप। वृक्ष से समीपे एक नागह अस्ति, वृक्ष के पास एक नाग है। आरोहणम चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर चढ़ना दुष्कर होता है। अवरोहणम उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम अस्ति, पर्वत से या पर्वत से उतरना जो आसान होता है। विषमः असमान, मार्गे विषमः पाषाणा सन्ति, मार्ग में असमान अर्थात उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। समः समान, मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सारे छात्र समान हैं। आगे अधोलिखित पदों के निर्देशानुसार बदलना है, तो यहाँ दिया गया गिरि शिखर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इसका बन जाएगा गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी एक वचन का पथि बन जाता है। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन है राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन पशुसु, ये आपका बनता है। आगे देखिएगा इसी क्रम में, सिक्स्थ एक्सरसाइज देखिएगा, सिक्स्थ में क्या रहा है, विलोम पद लिखने, पूर्वतः पृष्ठतः स्वकीयम परकीयम भित्ति साहसः अनुरक्ति विरक्ति गमनम आगमनम। अब थर्ड एक्सरसाइज देखिएगा आप, थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको देखिएगा। उदाहरण के लिए दे रहा, त्वम पूर्वतः चरणम निदेहि, तुम अपने पैरों को आगे रखिएगा, सामने चलिएगा, और इसके लिए दिया जा रहा है आपका, और दे रहे हैं
थोड़ा सा ये देखिएगा, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, अर्थात अपने देश के प्रति आप प्यार कीजिए, राष्ट्रभक्ति कीजिए, देशभक्ति रखिए। मह्यम जलम देही, मुझे जल दीजिए, मूढ़ अरे मूर्ख जय ही छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, धनागम तृष्णाम, धन के लालच को छोड़ दीजिए। भज गोविंदम, भज माने भजन कीजिए, सेवन कीजिए, किसका गोविंदम, भगवान का, अर्थात भगवान को हमेशा याद रखिए, उसका भजन कीजिए। सततम ध्येय स्मरणम करो, सततम हमेशा ध्येय स्मरणम करो, अपने ध्येय का स्मरण कीजिए। मंजूषा से अव्यपद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये देखिएगा आप, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयति, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया, खलु निश्चित रूप से, क्या आपने अच्छे से स्नान कर लिया, निश्चित रूप से स्नान कर लिया। सह वह यथा चिंतयति, जैसा सोचता है तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गाँव के चारों तरफ वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन कीजिए। अब आगे है सेवंथ एक्सरसाइज है, इसका लट लकार के पदों को लोट और विदिन लकार के पदों का निर्माण कीजिए। लट लकार के पदों से लोट और विदिन लकार के पदों का निर्माण कीजिए। पठते क्या हो जाएगा, लोट लकार में पठतु और विदिलिंग में पठेत, खेल अशी का लोट में खेल और विदिलिंग में खेले। खादंति का लोट में खादंतु, विदिलिंग में खादेयु। पिबामी का लोट में पिबानी और विदिलिंग में पिबेयम। हसतः का लोट लकार में हसताम, विदिलिंग में हसेताम। नयामह का लोट लकार नयामह और विधिलिंग लकार न ये में। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फोन करके। धन्यवाद।